हेमंत सोरेन का बयान भी सामने में आ गया भरी सदन में, क्या कहिए भाई? देखिए मैं तो विधानसभा में भी बोला था और कल मैंने विधानसभा से बाहर आकर के मीडिया के बीच में बयान इस बात को बोला था कि किसी को ये उम्मीद नहीं था और लोगों को बहुत आशाएं थी सरकार बनने के पहले, बहुत आशाएं थी लोगों का और लोगों को पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार बनी है और झारखंड के युवाओं को युवतियों के लिए यहाँ नियोजन नीति बनेगा और यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं है या स्थानीय नीति भी बनेगा और उसका चुनावी मैनिफेस्टो में भी था इसका। लेकिन उस दिन जो इन्होंने बयान दिया ये बहुत ही मैंने एक तरह से क्या कहा जाए, मैंने ये तो मुंह से मेरा नहीं निकल रहा अनपार्लियामेंट्री, बट ये बहुत ही दुखी बात है कि इस झारखंड के लोगों के लिए। अरे भाई हम कहते हैं ये खतियानी स्थानीय नीति जो बनेगा खतियानी आधारित पर हम लोगों ने डिमांड किया है, सब जगह पूरे झारखंड में डिमांड हो रहा है। ये खतियानी नहीं, मेरा ये एक हमारा लाइसेंस है यहाँ के झारखंडियों का। और ये नियोजन नीति ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए रघुवर दास ने जो हमने तो विधानसभा में कहा इसको फाड़ के फेंक दो और नियोजन नीति को भी फाड़ के फेंको और स्थानीय नीति को भी, नया नियोजन नीति बनाओ और नया स्थानीय नीति बनाओ। और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के लिए भी अगर हम लोग अभी जो बोल रहे हैं बड़ा दुख के साथ बोल रहे हैं, बड़ा उम्मीद था पानी फिर गया। और हमारे माननीय गुरुजी इतने दिनों तक आंदोलन किया, कितना बार जेल गए, कितने ऊपर में केस हुआ, बहुत लोग जेल में भी मरे हैं इसी के लिए, यही दिन देखने के लिए। और आज बहुत दुखी के साथ कहना पड़ता है, अभी यहाँ छात्र समाज समिति सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के यहाँ अभी छात्र छात्राएं लोग हैं और इनके साथ में चलते चलते हम बैठक कर रहे हैं, कर भी लिए और हम ये आह्वान किए हैं। ये मैं 5 तारीख से घर से निकलने वाला हूँ और पूरे झारखंड प्रदेश का मैं यात्रा करूँगा और बहुत समर्थक लोग आस लगाए बैठे हैं और हम 5 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं और हमने अल्टीमेटम दे चुका है। और फिर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं कि ये लास्ट अप्रैल तक में अगर ये नहीं किया नियोजन नीति और स्थानीय नीति ये घोषणा नहीं किया, परिभाषित नहीं किया, तो फिर 5 मई को पूरे झारखंड बंद का मैं आह्वान कर रहा हूँ और इसके बाद फिर रणनीति बनेगा। और अभी युवा पीढ़ी पूरा जाग चुके हैं और हर जगह युवा आंदोलन करने के लिए तैयार है, जबकि बोकारो से धनबाद से पैदल जा करके वहाँ गवर्नर हाउस के बगल में जब धरना दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं कितना युवा में अभी जोश और खुश पैदा हुआ है। दादा आपने 5 अप्रैल को घर से बाहर निकलने की बात कही, जी दुविधा है राजनीतिक घर या अपने पैतृक घर? पैतृक घर, राजनीतिक घर तो वही है, राजनीतिक घर छोड़ने की योजना नहीं है? क्यों, बड़ा मुश्किल है, राजनीतिक घर हम क्यों छोड़े? क्योंकि आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जाती है, नहीं नहीं सुनी जाती है। सुनिए मैं सरकार को हिला दिया, अब उखाड़ने का बाकी है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम बोले थे उसको, हम बोले थे मैनिफेस्टो में जोड़ने के लिए कि यहाँ पर हम आस्था नीति बनाएंगे, हम बोले थे उनको 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए हम बोले थे क्या? हम बोले थे कि यहाँ नियोजन नीति हम बनाएंगे, तुम बोले हो। और इसीलिए हमने विधानसभा में किया कहा है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। दादा एक बात है आपने अभी और कही, जो टिकट दे ना दे उसकी परवाह नहीं, बहुत लोग पूछते हैं टिकट मिलेगा, हो सकता है काटेगा। टिकट का मोहताज लोबी हमरम नहीं है और हमारे माननीय सांसद ने जो उसका व्हाट्सएप में आया था कि लोबी हमरम को मंत्री नहीं बनाया इसलिए ये अलूल जलूल बक रहा है, ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है मेरा, मंत्री बनाए ना बनाए, नहीं बनाया वही अच्छा किया, अगर मंत्री बनाया होता तो हो सकता कि हम भी मोह माया में फंस जाते, फंसने वाले में से हम नहीं हैं। लेकिन अभी टिकट का बात हमको परवाह नहीं है, देगा तो ठीक है, नहीं देगा वो भी ठीक है। दादा क्या अगर स्थानीय नीति नहीं लागू होता है तो लोबिंदा का लड़ाई कहाँ होगा, परेड में सीएम के सामने होगा? अगर नहीं किया और अगर हमको देखिए जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात आप बोल रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के अभी बहुत वक्त है, हमारे समर्थक लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगा,
लोबिंद दिन रोए, क्या पूरा झारखंड रो रहा है कि केवल लोबिंदा रो रहे? अरे यार हम रोए इसका मतलब पूरा झारखंड रोया? हम रोए ने हमको रुलाया, हमको जलील किया। कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? सवाल ही नहीं, और मजबूत होते जा रहे हैं। दादा जेएमएम में रह के, जेएमएम का एक पुराने विधायक होके, पार्टी के बड़े नेता होके, और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, और ये क्या लग रहा आपको? नहीं सुनेगा तो एक दिन सुनेगा, अभी नहीं सुन रहा है तो सुनना पड़ेगा ना। एक हेब्रम लोबिन हेब्रम यहाँ नहीं है, अब हजारों हजार, 4,500 तो कल ही हमारा लोगों ने लाइक किया है, अभी कितने हजार लोबिन हेब्रम बनेंगे सब जगह हुआ। दादा इन तमाम मुद्दों पे आप बार बार कहते हैं हमारा नेता गुरुजी, आप कहते हैं, इन मुद्दों पे कभी गुरुजी से आपकी बात हुई या वहाँ भी नहीं आपको जाने दिया बोलने? नहीं नहीं गुरुजी से हमारी बात हुई है, गुरुजी तो बोले हमको जहाँ खड़े हो एकदम टाइट से खड़े रहो और सारे विधायक को फोन पर बात करो ताकि तुम्हारे साथ वो लोग खड़ा हो।